start. Good morning, my dear students. How are you all? And I hope that you all are fine at your home. And here you can see the standard 4th Marigold textbook. So today in this session, we are gonna learn about some topics and we will do some exercise also. So let's get started and kindly open your textbook and open page number 20. So you can see here I have opened page number 20 for you, my dear students, and this is a fun time today we are gonna learn. So in the second exercise, first is written sit in a groups. I know that we cannot sit in a groups right now because we all are in a different places, but you can sit alone at your home and you can do this exercise. So they have asked you to do that. Look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other words also. आपको ये words use करने हैं आपके friend के face को देखकर, उसका face कैसा है. अगर आपका friend आपके घर नहीं आ सकता तो आप क्या करोगे? अगर आपके कोई brother है, कोई sister है तो उसका face देखो और उसका फेस में ये सिमिलरिटीज होगी. मीन्स ये सब वर्ड यूज़ करके आप बनाओ. क्या बनाना है? एक छोटा सा वर्ड. देखो मैं आपको एक बना के दिखाऊँ. जैसे अगर सोच लो मैं मेरे फ्रेंड को देख के या किसी और को देख के मैं बता रहा हूँ और मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा लॉन्ग. तो आई विल राइट डाउन लॉन्ग, LONG, ओके, LONG, लॉन्ग नेक, ओके. I will write down long neck, LONGNECK. I will write down long neck. Okay. Then I will see, I will write round face. Then I will make round face. Then oval kya hota hai? Oval. You can write down like oval. Has style. You can write down like this. Then slanted. So use word slanted. Slanted lips. Okay. You can write down slanted lips. Lips kaise hote hai? Means slant hote hai na. Then sharp. Sharp kya hote hai? You know that. Sharp teeth. Sharp teeth. And last word is last. Flat. You can use like flat, so you can write down flat chin. Okay, you can write down flat chin. All the spelling you can see inside what I'm writing or what I've already written. So first, see long neck, round face, or you can write down oval face. See this, I have written just for your information or just to show you how you can write. Okay, you can write different things also. ये ऐसा नहीं कि यही लिखना है. ओके, ये मैंने आपके लिए लिखा है. स्लांटेड लिप्स, शार्प टीथ, फ्लैट, FLAT, फ्लैट चिन, CHIN. ओके, सो डन. नाउ थर्ड एक्सरसाइज नंबर थर्ड. इन द थर्ड एक्सरसाइज दे हैव आस्क्ड अस टू राइट डाउन व्हाट इज योर फेवरेट फूड. डिस्क्राइब इट इन 5 sentences. उन लोगों ने पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट. आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और वो आपको यहाँ लिखना है. ओके, सो दिस इज HW फॉर यू. ओके, क्यों? क्योंकि ये एक फन टाइम है. मीन्स ये है एक फन एक्सरसाइज जो आपको खुद करनी है, क्योंकि उन्होंने आपको पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 sentences. आपको 5 ऐसे सेंटेंस बनाने हैं छोटे छोटे. लाइक एक मैं बना के देता हूँ, यू कैन राइट माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, माय फेवरेट फ्रूट इज एन एप्पल. नाउ यू कैन राइट डाउन अबाउट एप्पल. हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट टेस्ट. यू कैन राइट डाउन मींस कहां पर आपको मिलता है. ओके, यू कैन राइट डाउन हियर इट इज रेड, राइट? सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू. इट इज रेड, RED, इट इज रेड. नाउ अनदर 3 sentences यू हैव टू राइट डाउन. आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंगो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट? Now come to the page number 21. Now see, as you will write down 5 sentences about your favorite fruit, then they have asked us
क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट स्मेल. तो अगर आप लिखोगे कि माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल एंड व्हेन यू आर ईटिंग द एप्पल दे हैव आस्क यू हाउ डज इट स्मेल, वो स्मेल कैसे करता है. तो यू कैन राइट डाउन इट स्मेल वेरी मीन्स कैसा हर्ट स्मेल आता है उसका, यू कैन राइट डाउन इनसाइड. देन सेकेंड इज हाउ डज इट लुक, वो कैसा लगता है. तो अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो आई वुड से एप्पल लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल, राइट. लाइक क्रिकेट बॉल इज ऑल्सो रेड एंड एप्पल इज ऑल्सो रेड. सो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस दैट माई एप्पल लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल. हाउ डज इट फील, वो कैसा फील होता है, मीन्स जब आप खाते हो तो कैसा लगता है, सॉफ्ट होता है या मीन्स थोड़ा हार्ड होता है, राइट. यू कैन राइट डाउन. देन फोर्थ इज व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक. चलो अब मेरी बात करूँ, मैं इफ सपोज दे आर यू आस्किंग टू मी, सो आई विल से व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक. सो आई विल राइट डाउन टक. जब मैं एप्पल खाता हूँ तो आई विल माई साउंड कम्स लाइक टक. जब मैं एप्पल खाता हूँ उसका बाइट लेता हूँ तो डिफरेंट साउंड आता है. अब एप्पल खाना, मैंगो खाना, जो भी आपका फेवरेट फूड है और जो क्या साउंड आता है वो लिखना है. लास्ट हाउ डज इट टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्टी होगा, डिलीशियस ही होगा, लेकिन आप लिख सकते हो उसका टेस्ट कैसा है. दिस इज फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स, ओके. सो यू कैन राइट डाउन. देन आई एम जस्ट टेलिंग यू, वन इज अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज गिवन, ओके, दैट यू हैव टू डू. राइट डाउन ऑल द थिंग्स विच इज गिवन इन साइड एंड यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग सेशन, ओके. वैन यू गेट अप फ्रॉम द बेड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी एंड ऑल अदर एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 22 आई हैव ऑलरेडी सेंड यू, ओके, वाय टेक्स्ट. दिस ऑल एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी टेक्स्ट यू, सो यू कैन सी इन साइड, ओके, एंड राइट डाउन. सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट आई मीन टू से. And have a good day. Bye-bye. Take care.